देखिए ये मनोकामना नौलखा मंदिर के प्रांगण में है। बाबा बचपन से ही इस मंदिर को सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर बहुत पौराणिक है, सैकड़ों साल पुरानी है। बाबा अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश अपने सीने पर स्थापित किए हुए हैं। हम ही स्थापित करते हैं इनके। कलश का वजन करीब करीब 50 से 60 केजी रहता है। ये माता का ही देन है कि भक्ति में ही शक्ति है, और माता के देन से इनको कोई कष्ट नहीं होती है। ये लोग कहते हैं कि पानी पी लेते होंगे, पेशाब कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ कोई ढकोसला पूजा नहीं होता है। इनको देखने के लिए, इनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए, माता का आशीर्वाद देने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं। माता बहने को लेट हो जाते हैं तो उनको ठहरने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, और उनके भोजन का भी मंदिर की ओर से व्यवस्था करना पड़ता है। ये बहुत चर्चित मंदिर है। यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हाई कोर्ट के जज लोग भी आते हैं। शारदीय नवरात्रि रविवार से शुरू हो गई है। जिस तरह माता रानी के भक्त अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक उसी तरह उनकी भक्ति का तरीका भी अलग अलग होता है। नवरात्र में लोग अलग अलग तरह से अनुष्ठान करते हैं। घरों में कलश स्थापना होती है, कुछ लोग पूरे 9 दिन, तो कुछ लोग चढ़ती उतरती यानी पहली और अष्टमी को उपवास रखते हैं। 9 दिन तक हर रोज भव्य तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसे में पटना के एक मंदिर के पुजारी अनोखा अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी नागेश्वर बाबा ने अपने सीने पर गंगा जल से भरे 21 कलशों की स्थापना की है। वह पिछले 27 सालों से यह अनुष्ठान करते आ रहे हैं। नागेश्वर बाबा बताते हैं कि 36 साल की उम्र से लगातार सीने पर कलश रखकर माता की आराधना करते आ रहे हैं। शुरू में एक कलश रखे थे, बाद में कलश की संख्या बढ़ती गई और आज 21 कलश सीने पर रखे हुए हैं, जिसका वजन लगभग 50 किलो है। माता का आशीर्वाद है कि उन्हें कभी भी ना भूख लगी, ना प्यास लगी और ना क्रिया कर्म करने की इच्छा होती है। सीने पर कलश रखने के लिए नागेश्वर बाबा 2 दिन पहले से ही खाना पीना बंद कर देते हैं। दशमी तक माता की आराधना करेंगे और एकादशी के रोज भोजन ग्रहण करेंगे। इस बार 27वां साल है, लगातार 27 साल से आ रहा हूँ। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। उपदेश, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। पहली बार एक कलश रखे थे, 27 साल हो रहा है, इसके अनुमान लगाइए कौन साल था, कितने साल नित्य क्रिया कर्म त्याग के साधना आराधना में लग जाते। लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट। इसी तरह के रोचक और फायदे से जुड़े वीडियो देखने के लिए क्लिक करें लोकल 18 की प्लेलिस्ट पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।